मकरूज गमे दीदाए तर है तेरा मोहसिन, मुद्दत से यूं ही खाक बसर है तेरा मोहसिन। शायद किसी रास्ते की हवा तेरी खबर दे, इस वास्ते मसरूफ है सफर है तेरा मोहसिन। कोई हम सफर हो तो जिंदगी हसीन लगती है, और अगर हम सफर हेमा जी जितनी हसीन हो तो जिंदगी एक ख्वाब जैसी लगने लगती है। आज हम बात करने वाले हैं धर्म जी और हेमा मालिनी के इश्क की। इस प्रेम कहानी ने कई सारे दायरे पार किए, उम्र का दायरा, उत्तर दक्षिण का दायरा, यहाँ तक कि मजहब का दायरा भी इनके इश्क ने पार कर दिया। धर्म पाजी और हेमा जी की मुलाकात हुई साल 1970 में। वे एक फिल्म की साथ शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था तुम हसीन मैं जवां। इस फिल्म से धर्म जी या हेमा मालिनी के करियर को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन निजी जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा हुआ, और वो ये कि दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। गौर करने लायक बात ये है कि धर्मेंद्र जी उस वक्त शादीशुदा थे, इस वजह से हेमा जी के पिता इनके रिश्ते के खिलाफ थे। दूसरी ओर धर्मपाजी भी अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे, आखिर उन्हें भी अपने बच्चों सनी और बॉबी देओल का ख्याल था। दुनिया को लगा कि इनकी कहानी यहीं खत्म हो गई। हेमा जी की जिंदगी में प्यार दोबारा आया, जितेंद्र के रूप में। मामला इतना आगे बढ़ गया था कि हेमा जी और जितेंद्र की शादी की बात भी चलने लगी थी। लेकिन धर्म जी को ये गवारा नहीं था। उन्होंने हेमा जी और जितेंद्र को धमकी दी कि अगर ये शादी हुई तो वे उन दोनों की जान ले लेंगे। नतीजन जितेंद्र की हेमा जी से शादी मकबूल न हो पाई। इसी दौरान हेमा जी के पिता का निधन भी हो गया, इसलिए उन्होंने धर्म जी से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर मेरे साथ रहना है तो मुझसे शादी करो। चूंकि हिंदू धर्म में सिर्फ एक शादी करने की इजाजत होती है, इसलिए धर्म जी और हेमा जी ने अपने नाम और धर्म परिवर्तित कर दी। धर्म जी बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी बन गई आयशा बी। इन दोनों ने सन 1979 में निकाह किया। गौरतलब है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की प्रेम कहानी उनकी शादी करने के 5 साल पहले से चल रही थी। धर्म जी और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना। जहां एक तरफ धर्म जी हेमा जी की अदाओं के दीवाने हैं, वहीं दूसरी ओर हेमा जी को धर्म जी का बचपना और मासूमियत अच्छी लगती है। शादी के 35 साल बाद भी उनका इश्क आज तक बरकरार है। देंगर, देंगर, इस शायर की गजल,